लोग ये हैं रूमा हाईवे पे और बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मून एंड मार्स रिजॉर्ट में। ये बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट बना हुआ है यहाँ पे और बहुत बार मैं यहाँ से निकला हूँ, मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए और सबको दिखाना चाहिए। तो आज हम इसके एक फूड कोर्ट में जा रहे हैं। पहले हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, कुछ खाएंगे और आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, तो इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन भी है। ये जो रिजॉर्ट है ये आपका कानपुर में है, कानपुर हाईवे पे है, रूमा पड़ता है यहाँ पे आउटर्स में चकेरी के पास, एयरपोर्ट से पहले है ये। और ये हम लोग देखिए इसमें अंदर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ये देखिए कितनी शानदार इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पे। पूरा रिजॉर्ट बना रखा है, यहाँ पे शादी वगैरह भी होती है, पार्टीज भी होती है। तो आज हम लोग इसके रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और ये देखिए हाँ डीजे नाइट भी रहती है यहाँ पे। इनका गार्डन अरोमा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे देखिए डीजे नाइट भी रहती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा कानपुर वालों के लिए ऑप्शन है, अगर जिनको शहर से थोड़ा बाहर आके हसल भसल से निकल के थोड़ा पीसफुल एरिया में आना है तो यहाँ आ सकता है। और ये मैं कहूँगा सभी कानपुर वाले एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पर ट्राई करें। ठीक है, यहाँ पर अल्कोहल अलाउड नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है बोर्ड। और खाना यहाँ पर मैंने सुना है किसी फ्रेंड से बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी रुक गए और हमको भी यहाँ पे एक्सपीरियंस करना था इसका खाना। और यहाँ पे काफ़ी क्योंकि रिजॉर्ट है ये तो यहाँ पे रूम्स भी हैं शायद रुकने के लिए, लोग यहाँ पे शादी करने आते हैं, थोड़ा शहर से बाहर है तो बढ़िया रहता है। तो इनका गार्डन आर्डन भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये बच्चों के खेलने की जगह है, इन्होंने यहाँ पर ट्रैम्पोलिन लगा रखा है, बाउंसी हाउस। और ये देखिए ट्रैम्पोलिन है। तो चलिए हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं और पहले हम लोग कुछ खाना ऑर्डर करेंगे और रेस्टोरेंट का भी एम्बियंस देखते हैं कैसा है। बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट भैया ने बना रखा है। और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये दो एरियाज हैं, एक बाहर का एरिया है। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है, सामने देखिए शायद रूम्स बने हुए हैं। ये इधर लॉन है, यहाँ पे शादी वगैरह के फंक्शंस होते हैं। और देखिए यहाँ पे एक फंक्शन शायद लगा भी हुआ है, इनका कुछ चल रहा है यहाँ पे, डेकोरेशन भी हुई हुई है। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी पे है ये, अच्छा इन्होंने बना रखा है। तो आप लोग जिनको यहाँ पे कोई फंक्शन भी करना है वो भी इस मून एंड मार्स रिजॉर्ट को कंसीडर कर सकते हैं। ये अपने कानपुर में ही है, रूमा रोड पे है। देखिए यहाँ पे कोई फंक्शन लगा हुआ है, काफ़ी मैसिव प्रॉपर्टी, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना रखी है। देखिए किसी और का फंक्शन है, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं आपको बाहर बाहर से दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप अपना डेकोरेशन और फंक्शन यहाँ पे भी आप भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखिए डेकोरेशन हो रखी है, कुछ पंजाबी फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, लोग फोटोज़ खिंचा रहे हैं। चलिए दोबारा से हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खाएंगे फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा खाने का भी, यहाँ का टेस्ट कैसा है। क्योंकि शादी बारात भी अगर आप भी तय करेंगे यहाँ पे करने के लिए तो सबसे पहले उसके लिए खाना ही होता है, तो खाना अगर अच्छा होगा तो यहाँ पे आना वर्थ रहेगा। क्योंकि रिजॉर्ट तो देखिए अच्छा है और यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं, मेन अब रहता है कि खाना कैसा है यहाँ का। खा के मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो ये देखिए कुल मिला के यहाँ पे एक अच्छा आउटलेट है, अच्छा रिजॉर्ट है और एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप अपना अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आ सकते हैं। यहाँ पे आप लंच डिनर
या मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट का भी ऑप्शन हो गई कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे आइए, ये मून एंड मार्स है कानपुर में अपने, इसको ज़रूर चेकआउट करिए। ये हाईवे पे है, रूमा हाईवे पे कानपुर में। और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए हमारे व्लॉग्स को, और हम आपको अपने शहर का कानपुर का अच्छी अच्छी जगह दिखाते रहेंगे, और आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया प्लेसेस जो अपने शहर में हैं वो आपके सामने लाएंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो कानपुर के हैं, मेरे चैनल को ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत कुछ है इन फ्यूचर में, और जो कानपुर के बाहर भी हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ जानने को है, क्योंकि हम लोग सिर्फ ना कि कानपुर में बनाते हैं, हम कानपुर के बाहर भी ट्रैवल करते हैं, तो उस पर भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर अगेन वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो। हैव अ गुड डे।